हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम सजीवन। और आज हम इस वीडियो में जो है फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, अर्थात जो स्टूडेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करते हैं जैसे एम्स, पीजीआई, इसरो, बार्क, रेलवे हॉस्पिटल, एसएससी फार्मासिस्ट एंड एनी फार्मासिस्ट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, अर्थात जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसी को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सर्फेक्टेंट में भी क्लासिफाइड एज, अर्थात सर्फेक्टेंट को क्लासिफाइड किया जा सकता है, ऑप्शन एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द एबव। सर्फेक्टेंट्स आर द केमिकल कंपाउंड्स विच रिड्यूस द सरफेस टेंशन, दे आर एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एच एल बी वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट इज 8 to 18, द इमल्सन विल बी, अर्थात यदि सर्फेक्टेंट का एच एल बी हाइड्रोफिलिक लिफोफिलिक बैलेंस का मान 8 से 18 है तो इमल्सन होगा, ऑप्शन वाटर इन आयल टाइप इमल्सन, आयल इन वाटर टाइप इमल्सन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, आयल इन वाटर टाइप इमल्सन। हाइड्रोफिलिक लिफोफिलिक बैलेंस ऑफ ए सर्फेक्टेंट इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ विच इट इज हाइड्रोफिलिक ऑफ लिफोफिलिक, एग्जाम्पल वाटर इन आयल टाइप इमल्सीफायर 4 to 6 एच एल बी, वेटिंग एजेंट 7 to 9 एच एल बी, आयल इन वाटर टाइप इमल्सीफायर 8 to 18 एच एल बी, डिटर्जेंट 13 to 15 एच एल बी एंड सॉल्युबिलाइजर्स 10 to 18 एच एल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन रोलर आर रिवॉल्विंग मील इज, अर्थात रोलर या रिवॉल्विंग मील में शामिल सिद्धांत है, ऑप्शन एट्रिशन, प्रेशर, बोथ ए एंड बी, इम्पैक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट डज नॉट कंटेन, अर्थात ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट में शामिल नहीं है, ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फ्रक्टोज, सोडियम सिट्रेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड वेटिंग एजेंट शुड हैव एच एल बी वैल्यू, अर्थात गुड वेटिंग एजेंट का एच एल बी अर्थात हाइड्रोफिलिक लिफोफिलिक बैलेंस मान होना चाहिए, ऑप्शन 7 to 9, 1.5 to 3, 6 to 8, 8 to 18। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 7 to 9। हाइड्रोफिलिक लिफोफिलिक बैलेंस पैरामीटर्स यूज्ड टू क्लासिफाई सर्फेक्टेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ हाइड्रोफिलिसिटी, वेटिंग एजेंट हैव 7 to 9 एच एल बी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए मिनरल हाइड्रोकोलाइड, अर्थात कौन सा मिनरल हाइड्रोकोलाइड नहीं है, ऑप्शन वीगम, कोलाइडल सिल्का, कोलाइडियल एलुमिना, ट्रेगाकैंथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ट्रेगाकैंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज, अर्थात बीसीजी वैक्सीन की डोज है, ऑप्शन 1 ml, 0.01 ml, 0.1 ml, 0.02 ml। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 0.1 ml। बीसीजी इज ए बैसिलस क्लाइमेटोग्वेरिन यूज्ड एज वैक्सीनेशन इन द डोज ऑफ 0.05 ml फॉर इन्फेंट्स 1 year एंड 0.1 ml फॉर चिल्ड्रन ओवर 1 year ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटिंग टेबलेट इज, अर्थात शुगर कोटिंग टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम है, ऑप्शन 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 15 minutes। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 60 minutes। The disintegration time for uncoated tablet 5 to 15 minutes, film coated tablet 30 minutes, sugar coating tablet 60 minutes and for enteric coated tablet 2 hour. Next question, active immunity is induced by introduction of, अर्थात active immunity किसके परिचय से प्रेरित है, option antigenic substance, vaccine, toxoid, any of the above. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एंटीजेनिक सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटेरिक कोटेड टेबलेट्स आर मीन्ट फॉर डिसइंटीग्रेशन इन ऑप्शन स्टमक माउथ इंटेस्टाइन नन ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी इंटेस्टाइन। इंटेरिक कोटिंग इज ए पॉलीमर बैरियर अप्लाइड ऑन दी ऑरल मेडिकेशन विच प्रिवेंट्स द डिसइंटीग्रेशन इन स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ टेबलेट इज यूज इन एन यूजफुल इंडिकेटर ऑफ, अर्थात टेबलेट की कठोरता का उपयोग निम्नलिखित के उपयोगी इंडिकेटर में किया जाता है। ऑप्शन डिसइंटीग्रेशन ऑफ टेबलेट, नेक्स्ट स्टेबिलिटी ड्यूरिंग ट्रांसपोरेशन, नेक्स्ट गुड जीएमपी, नेक्स्ट सेल्फ लाइफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए डिसइंटीग्रेशन ऑफ टेबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेकिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स फॉलोइंग मशीन इज यूज, अर्थात सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाने के लिए निम्नलिखित मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ड्राई कोटा, रोटरी डाई प्रोसेस, रोटरी पंच मशीन, प्रेस कोटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी रोटरी डाई प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोजेंस आर आल्सो नोन एज, अर्थात लोजेंस को इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बक्कल टेबलेट, पेसारीज, टॉर्चेज, पेस्टिल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए बक्कल टेबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप थर्ड ग्लास इज, ऑप्शन सोडा लाइम ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए सोडा लाइम ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स मे बी मेड इलास्टिक आर प्लास्टिक लाइक बाय द एडिशन ऑफ, ऑप्शन सोर्बिटोल, गम, वाटर, एल्कोहल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए सोर्बिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटलिंग इन टेबलेट इज रिलेटेड विथ, अर्थात टेबलेट में मोटलिंग का संबंध किससे है। ऑप्शन कलर, साइज, हार्डनेस, शेप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए कलर। मोटलिंग इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन टेबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक वाटर आर प्रिपेयर्ड बाई, अर्थात एरोमेटिक वाटर किसके द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन फिल्ट्रेशन, कंडेंसेशन, मेसिरेशन, डिस्टिलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ रबर क्लोजर, अर्थात रबड़ क्लोजर के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डिस्ट्रैक्टिवनेस, पेनेट्रेबिलिटी, सेल्फ सिलेबिलिटी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द एबव। रबड़ क्लोजर्स आर डिवाइस कंटेनिंग इलास्टोमर यूज्ड टू क्लोज आर सील बॉटल जार एटसेट्रा। दे आर टेस्टेड फॉर पेनेट्रेबिलिटी, डिस्ट्रैक्टिवनेस, सेल्फ सिलेबिलिटी, कंपेटिबिलिटी, लाइट एब्जॉर्प्शन एंड फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ए लिक्विड अक्रॉस ए फिल्टर मीडियम डिपेंड्स अपॉन, अर्थात एक फिल्टर मीडियम में लिक्विड के फिल्ट्रेशन की दर निर्भर करती है। ऑप्शन सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर मीडियम, नेक्स्ट थिकनेस ऑफ केक, नेक्स्ट विस्कासिटी ऑफ फिल्ट्रेट, नेक्स्ट ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी इंडियन फार्माकोपिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टेबलेट्स, अर्थात टेबलेट्स के मूल्यांकन के लिए इंडियन फार्माकोपिया में निम्न में से कौन सा टेस्ट शामिल नहीं है। ऑप्शन हार्डनेस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, डिसोल्यूशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए हार्डनेस। टेबलेट हार्डनेस टेस्टिंग यूज्ड बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू टेस्ट द ब्रेकिंग पॉइंट एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम यूज्ड फॉर प्राइमरी इमल्शन ऑफ ए ऑयल इज, ऑप्शन 4:4:2, 1:2:4, 2:4:4, 4:2:1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी 4:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस यूज्ड टू इंक्रीज द वेट ऑफ द टेबलेट इज कॉल्ड, अर्थात
टेबलेट का वेट बढ़ाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? ऑप्शन एक्सीपिएंट, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट, डाइल्यूएंट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, डाइल्यूएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्वेंट यूजुअली यूज्ड इन थ्रोट पेंट इज, अर्थात थ्रोट पेंट में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला सॉल्वेंट है? ऑप्शन एल्कोहल, सीरफ, ग्लिसरीन, केस्टर ऑयल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुगोल्स सॉल्यूशन इज यूज्ड, अर्थात लुगोल्स सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन एक्सटर्नली, पेरेंट्रली, इंटरनली, इंट्राथेकली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एक्सटर्नली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्सट्रोज इंजेक्शन इज स्टेरलाइज्ड बाय, अर्थात डेक्सट्रोज इंजेक्शन किसके द्वारा स्टेरलाइज किया जाता है? ऑप्शन हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, इंडेलिजेशन, पाचुरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑटोक्लेव। द बेस यूज्ड इन च्यूएबल टेबलेट इज, अर्थात च्यूएबल टेबलेट में इस्तेमाल किया जाने वाला बेस है? ऑप्शन लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लैक्टोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल सेल्स आर मेड विथ, ऑप्शन पेक्टिन, जिलेटिन, स्टार्च, सेलेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस यूज्ड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द व्हीकल इन मिश्रण इज, अर्थात मिश्रण में व्हीकल की विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन स्टार्च, ट्रेगाकैंथ, अकेसिया, लैक्टोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ट्रेगाकैंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल फॉर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इज, अर्थात डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का उदाहरण है? ऑप्शन अकेसिया, टाल्क, स्टार्च, जिलेटिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंटोनाइट इज यूज्ड एज, अर्थात बेंटोनाइट का किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सस्पेंडिंग एजेंट। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।